नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों, जैसा आपने कमेंट्स करके काफ़ी बार मुझे पूछा कि इनोटेक जो है या टेंडम बॉक्स जो है वो कितने कितने तरह की आती है, कौन कौन सी आती है, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए और कैसी होती है इनोटेक, तो दोस्तों आज की वीडियो हम इनोटेक के ऊपर ही बनाने जा रहे हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ड्रॉवर सिस्टम आता है इसी को इनोटेक बोला जाता है। अब इनोटेक बेसिकली क्या है कि साइड में जो रनिंग होती है, मतलब ड्रॉवर जिसके ऊपर चलेगी वो सिस्टम आता है। और इनोटेक के बेसिकली तीन पार्ट हैं। पहला तो ये ड्रॉवर सिस्टम हो गया, इसके अंदर चैनल रहती है और इसके ऊपर का कवर रहता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट हो गया इसका, जो ये कैप आता है, जैसे जिस भी ब्रांड का होगा उस ब्रांड के नेम से ये कैप आता है। ये वाला जो कैप है दोस्तों वो यहाँ पे इस जगह पे लगता है, इस जगह पे लगाया जाता है कैप को। और यहाँ पे जो है स्क्रू एडजस्टमेंट रहता है पल्ले को एडजस्ट करने के लिए, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है ये आरसीबी आता है, यानी कि ये जो होता है हाइट एडजस्टमेंट के लिए रहता है। ये 4 इंची के लिए बेसिकली, 4 इंची जब इनोटेक बनानी है उसके लिए ये वाला पार्ट आया है। उसके बाद दोस्तों ये गैलरी आती है, अगर जैसे आपको इनोटेक की हाइट बढ़ानी है, मान लीजिए आपको ये 4 इंची की जगह 6 इंची या 8 इंची इनोटेक बनानी है, तो उसके लिए गैलरी आती है ताकि सामान वगैरह जो है वो गिरे नहीं। दोस्तों मैं वो प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ इनोटेक कैसी दिखती है। तो जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जो है ये हैटिक ब्रांड की इनोटेक है। और ये वाली जो है दोस्तों ये विद गैलरी है, हैटिक ब्रांड की इनोटेक है, विद गैलरी है, मतलब गैलरी मतलब इसको बोलते हैं, जो ये ऊपर से गैलरी लगी हुई इसको गैलरी बोलते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए काम आती है। अब दोस्तों अगर इसकी फिटिंग की बात करें तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो एंटी स्किड मैट लगी हुई है, ये जो है रबड़ की मैट रहती है ताकि जो है गंदगी वगैरह अपनी डायरेक्टली इनोटेक में अंदर ना जमे और कुछ भी सफाई करनी हो तो आसानी से हो सके। अब मैं आपको इनोटेक के अंदर का दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इनोटेक लगाने के, इनोटेक तो ड्रॉवर सिस्टम हो गया, लेकिन जो ये बेस बना हुआ है और ये जो बैग बना हुआ है, ये आप चाहें तो प्री लेमिनेटेड MDF का बना सकते हैं, या फिर आप सबसे बेस्ट जो रहता है वो WPC रहता है, PVC बोर्ड रहता है, वाइट वाला जो आता है उसमें कम डेंसिटी का PVC बोर्ड भी काम में ले सकते हैं आप, और इनोटेक उसका बना सकते हैं ताकि पानी वगैरह भी अगर आपका कुछ रहता है इनोटेक में तो वो आपके मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको इंडिया में जो पॉपुलर इनोटेक के ब्रांड्स हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या है लगभग, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो दोस्तों पहला जो ब्रांड है इसके बारे में हम बताएंगे वो है हैटिक, जो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। और जो दोस्तों हैटिक की इनोटेक है, अगर उसकी बात करें तो, अगर किचन में बात करें तो जो ये लेंथ काम आती है, मतलब जो ये गहराई काम आती है, 520 mm का जो है इनोटेक हैटिक का आता है, 470 mm भी आता है, यानी कि लगभग आप मान के चलो 19 इंची और 21 इंची के लगभग का जो है इनोटेक काम आता है किचन के अंदर। तो अगर उसकी प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो जो इनोटेक हैटिक के अंदर आएगा उसकी 470 mm वाले की जो MRP आ रही है अभी वो 4068 आ रही है, मतलब 4068 रुपये आ रही है एक सेट की, ये वाले सीरीज़ की, मतलब कि विदाउट गैलरी वाले की। और अगर इसी में अगर अपन गैलरी के साथ में बात करें, यानी कि पोर्टेंट पेन जिसको बोलते हैं, हैटिक इनोटेक विद पोर्टेंट पेन मतलब ये गैलरी वाला जो सीरीज़ है, उसकी जो MRP आ रही है वो 4212 रुपये आ रही है। अगर इसको 520 mm में लेने जाएंगे तो 4252 रुपये तो अपनी नॉर्मल वाले की आ रही है, और 4874 रुपये आपकी गैलरी वाले की आ रही है। इसमें लगभग आप मान के चलो कि आपका 15-20% 25% तक आपको डिस्काउंट जो है हैटिक इनोटेक पे मिल जाएगा MRP के ऊपर। इसके बाद जो दोस्तों सेकंड नंबर की बास्केट में आपको बताना चाहूँगा वो स्लीक की है। ये आपने, ये वाला जो आप देख रहे हैं स्लीक का इनोटेक है, स्लीक बेसिकली जो है वो एशियन पेंट का आपने ब्रांड सुना होगा, एशियन पेंट का ब्रांड है, अच्छी इनोटेक आती है इसकी भी, और इसकी प्राइस रेंज कंपेयर टू हैटिक काफ़ी इकोनॉमिक है। इसका जो सेट का MRP वो 3140 रुपये है स्लीक के इनोटेक का, और विद गैलरी इसका थोड़ा सा ज़्यादा आता होगा, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं उसकी एग्जैक्ट रेट नहीं बता पाऊँगा आपको। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा हमारा ब्रांड है वो है एवरशाइन। दोस्तों ये वाला जो इनोटेक है ये एवरशाइन की है, एवरशाइन जो है काफ़ी इकोनॉमिक सीरीज का ब्रांड है और काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है लेकिन काफ़ी इकोनॉमिक है। इसकी अगर रेट की बात करें तो जो अपना नॉर्मल वाला है, मतलब 4 इंची इनोटेक है, वो इसका 2110 रुपये का MRP आता है। इसके अंदर गैलरी और ये जो RCB अलग से आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, 200-300 रुपये का आइटम अलग से ही आता है।
फिर भी अपना जो इनोटेक है कंप्लीट करके लगभग 2000 के अंदर अंदर इसका इनोटेक आपको मिल जाएगा एवरशाइन ब्रांड के अंदर। इसके बाद दोस्तों चौथा जो हमारा सीरीज का ब्रांड जो हमारा इनोटेक है वो है हमारा ये स्लिम सीरीज का एप्को का। इसमें वाइट कलर मिल जाता है अपने को, ग्रे कलर में मिल जाता है। ये एप्को का इनोटेक है बेसिकली। इसमें आपको एक और दिखाता हूँ मैं, ये एप्को कंपनी का इनोटेक है, स्लिम सीरीज में आता है ये। इसकी अगर रेट की बात करूँ मैं आपसे तो दोस्तों इसका जो 500 mm का रेट आएगा 4 इंची के अंदर वो 2688 रुपये MRP है और लगभग 10-1% के आसपास आपको डिस्काउंट एप्को में मिल जाएगा विद GST इंक्लूड करके। और इसी में अगर 6 इंची की लेंगे तो लगभग 2860 रुपये है और अगर 8 इंची का बनाएंगे तो 3140 रुपये है। ये बेसिकली जो है हमारा एप्को का इनोटेक का रेट्स है। तो दोस्तों ये जो है लगभग मैंने आपको सारी इनोटेक जो अच्छी ब्रांड्स हैं, इसके अलावा गोदरेज एक अच्छा ब्रांड है, इसकी इनोटेक आती है, उसका मेरे पास यहाँ पे सैंपल्स और वो अवेलेबल नहीं है, मतलब प्राइसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो एक मेरी रिकमेंडेड ब्रांड्स हैं इनोटेक के अंदर वो आप एवरशाइन लीजिए, हेटिक लीजिए, एप्को लीजिए, गोदरेज लीजिए या फिर स्लीक लीजिए। ये सभी अच्छे ब्रांड्स हैं, सभी की वारंटी वगैरह काफ़ी अच्छी आती है और मटेरियल भी प्रीमियम आता है। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप हेटिक ही चूज़ कीजिए। अगर बजट में आप थोड़ा सा इकोनॉमिक चाहते हैं तो एवरशाइन ले सकते हैं, स्लीक ले सकते हैं, गोदरेज ले सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिक ब्रांड है अपने पास में। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको इनोटेक का जो आपका क्वेश्चन था काफ़ी लोगों का कमेंट में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी और आपको ये पता लग गया होगा कि इनोटेक कैसी होती है, क्या होती है, हमें कौन सी इनोटेक लेनी चाहिए, इंडिया में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू दोस्तों।